प्यारे बच्चों, ये अध्याय जो आपके सामने है वो रचनाओं से संबंधित है। हम इस अध्याय में देखेंगे कि अलग अलग ज्यामितीय रचनाएं कैसे की जा सकती हैं। सबसे पहली रचना जो यहाँ दी हुई है वो है कोण की रचना करना, दिए हुए कोण के बराबर एक कोण की रचना। आपको लगता होगा कि यदि एक कोण दिया हुआ है और उसके बराबर एक दूसरे कोण की रचना करनी है तो ऐसा मुश्किल क्या है। दिए हुए कोण को हमने चांदे से नापा और उसी के बराबर एक दूसरा कोण बना लिया। लेकिन यदि आपके पास चांदा न हो, आपको केवल प्रकार और रूलर यानी स्केल पट्टी का इस्तेमाल करना हो, तो क्या आप दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कर सकते हैं? यह सवाल थोड़ा पेचीदा हो सकता है, लेकिन आप देखेंगे कि यह भी काम उतना ही आसान है जितना चांदे की सहायता से बनाना। तो यदि हम दिए हुए कोण के बराबर एक कोण की रचना करना चाहते हैं तो हमको पहले उन सिद्धांतों को समझना पड़ेगा कि हम कैसे रचना कर सकते हैं और किन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। तो पहली बात तो हमें ये ध्यान रखनी होगी कि हमें जो चीज़ दी हुई है, जो जानकारियाँ दी हुई हैं, वो क्या हैं। और दूसरी बात यह है कि इन जानकारियों का हम उपयोग कैसे करें और इसके पीछे कौन से ज्यामितीय सिद्धांत काम करते हैं। ये दो तीन चीज़ें हैं जिसे हम ध्यान में रखें तो इनके आधार पर हम नए कोण की रचना या दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना करने के बारे में एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं और रचना करके परिणाम तक पहुंच सकते हैं। देखिए, आपके सामने एक कोण ABC दिया हुआ है जिसकी अपनी एक निश्चित माप है और इस माप के बराबर एक दूसरे कोण की हम रचना करना चाहते हैं, तो क्या क्या करना होगा। तो सबसे पहले तो हम ये देखें कि हमें दिया क्या हुआ है। कोण ABC है जिसकी माप ABC, जो भी इसका माप होगा उसका एक निश्चित मान, मान लीजिए इसको आप x डिग्री कहते हैं, x डिग्री की माप के कोण दिया हुआ है। तो पहले तो हम समझें कोण का मतलब क्या है। तो यदि ABC में BC एक किरण है और इस किरण को हम B को स्थिर रखते हुए इतना घुमाते हैं कि वो BA किरण के संपाती हो जाता है, तब हम कहेंगे कि x डिग्री का एक कोण यहाँ पर बना। ऐसी रचना हम करें और एक दूसरी किरण यहाँ पर लें मान लीजिए, इसको हम किरण PQ नाम देते हैं। तो हमने आधार का एक आधार जो भुजा है कोण की वो तो यहाँ पर रचना उसकी कर ली। अब हम एक दूसरी किरण और बनाएंगे जो इसके बराबर के कोण की हो, इसके बराबर के माप की हो PQ के साथ। तो उस परिस्थिति में हमको ये तय करना होगा कि ये जो झुकाव है वो ऐसा कैसा यहाँ पर कैसे आए। तो मान लीजिए हम यहाँ पर कोई एक चाप खींचते हैं जिसका केंद्र B है और ये जो त्रिज्या है वो मान लीजिए D है। यदि BD त्रिज्या का एक चाप हमने B को केंद्र मानकर खींचा तो यहाँ जो हमें बिंदु मिल रहा है मान लीजिए वो E बिंदु है, तो इससे पता चलता है कि BD और BE तो बराबर होंगे। अब ये जो चाप हमने लिया था वैसी एक चाप यदि हम यहाँ खींचते हैं, मान लीजिए ये बिंदु S है, तो ये तो पता चला कि BD PS एक बराबर है। अब यदि हम इस समतल में एक ऐसा बिंदु ढूंढते हैं जिसकी पोजीशन या जिसकी स्थिति E की जैसी है, E की जैसी यानी क्या, B से जो B के सापेक्ष E की जो स्थिति है उसी तरह से वो स्थिति P के सापेक्ष यहाँ पर हो और जो D के सापेक्ष E की स्थिति है वो भी हम यहाँ ढूंढ लें। यदि ये दो काम हम कर लेते हैं तो यहाँ पर एक ऐसा बिंदु T मान लीजिए है ढूंढा जा सकता है जिसकी P और S के सापेक्ष वही स्थिति है जो E की B और D के सापेक्ष है। यदि ये हम काम कर लें तो हम कोण ABC के बराबर कोण की रचना यहाँ पर कर पाएंगे। तो ये पूरी प्रक्रिया होगी कैसे इसे हम देखते हैं, फिर हम ये प्रूफ करके देखेंगे कि जो हमने रचना की है वास्तव में वो बराबर है कि नहीं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। हम इस काम को कागज़ पर करेंगे और मान लीजिए हमें एक कोण दिया हुआ है, ये मान लीजिए B है और ये C है और इसकी दूसरी वाली किरण को हम यहाँ पर इसे दर्शाते हैं, ये मान लीजिए A है
और ए बी सी जो कोण बन रहा है इसी कोई माप होगी। मान लीजिए जैसे हम एक्स से प्रदर्शित कर दें, एक्स डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसके बराबर की एक कोण की हमें रचना करनी है। तो सबसे पहले तो हम एक बिंदु यहाँ पर लें, मान लीजिए वो बिंदु पी है, और पी से एक किरण हम खींच लें, और ये किरण है, इसे हम पी क्यू किरण कह दें। अब हम एक चाप बी को केंद्र मानकर किसी भी माप पर खींचे, मान लीजिए हमने अपने प्रकार को इतना फैलाया और एक कोई त्रिज्या ली और इस तरह से एक चाप खींच लिया, और जैसा कि हमने यहाँ पर नाम डी दिया है इसे भी हम नाम दे दें डी। अब यदि हम इसी त्रिज्या का चाप पी को केंद्र मानकर खींचे तो क्या होता है, देखिए पी को हमने केंद्र माना और एक चाप यहाँ से खींच लिया, तो ये जो कटन बिंदु होगा, मान लीजिए उसको हम नाम एस देते हैं, तो चूंकि समान त्रिज्या के हैं इसलिए हमको बी डी बराबर पी एस मिल जाएगा। इसे हम लिख लें बी डी बराबर पी एस, इसे थोड़ा इस तरह से लिख लें बी डी बराबर पी एस। अब देखिए ये जितना है उतना तो हमें मिल गया, और इस बिंदु को हम नाम यहाँ पर दिए हैं ई, इसे भी एक नाम दे दें ई। अब यदि ई के जैसा बिंदु हम इस पर खींच पाए या ढूंढ पाए तो पी ई को मिलाने पर जो कोण बनेगा वो इस कोण के बराबर होगा। तो ई की जो स्थिति बी के सापेक्ष है और डी के सापेक्ष है, वही स्थिति का एक बिंदु हम यहाँ पर ढूंढें, तो देखिए होगा क्या। ई की जो स्थिति है वो बी डी की जो दूरी है वो बी ई के बराबर, क्योंकि एक चाप यहाँ पर जो हमने खींचा है उसी पर ई स्थित है। तो ठीक यही बात होगी, चूंकि बी डी और पी एस बराबर हैं तो ये जो यहाँ बिंदु जिसकी हम तलाश कर रहे हैं वो भी इसी चाप पर कहीं पर उपस्थित होगा, लेकिन उसकी दूरी एस से कितनी ही है हमें पता नहीं है। यदि इस दूरी को हम यहाँ से नाप लें, इसके लिए हमको देखना पड़ेगा डी से ई की दूरी कितनी है। तो हम डी से ई की दूरी नापने के लिए प्रकार का फिर से उपयोग करें, और देखिए इसको हम इतना, इस फैलाव को हम इतना रख रहे हैं कि वो ई को छू रहा है। तो ये जो दूरी है वो दूरी हम यहाँ से ले लें, ये देखिए हमने जो फैलाव लिया था, जो माप लिया था, उसी माप से हमने इसे काटा और इसे हम नाम दे रहे हैं टी का। तो अब टी की पोजीशन के बारे में देखिए, बी डी के बराबर पी एस है, और जिस त्रिज्या का चाप हमने यहाँ पर खींचा है उसी त्रिज्या का चाप भी हमने यहाँ पर खींचा है, यानी बी से ई की जो दूरी है वही दूरी पी की टी से है, और डी से ई की जो दूरी है वही दूरी एस से टी की है, क्योंकि हमने इस त्रिज्या के बराबर यहाँ पर जो चाप लिया है वो भी इसी त्रिज्या का है। तो टी एस और पी के सापेक्ष ठीक ऐसी जगह पर स्थित है जिस तरह से ई डी और बी के सापेक्ष है। यदि हम पी और टी को मिला दें ये पी और टी को मिला दिया, इसे हमने किरण को रूप दिया और इसको नाम दे दें आर। तो अब देखिए ये जो कोण बना टी पी एस वो ई बी डी के या कोण ए बी सी के बराबर होगा। आप चाहें तो इसे सिद्ध करके देख सकते हैं, हम ई और डी को मिलाते हैं, उसी तरह से टी और एस को मिलाते हैं। अब हम रचना के बाद ये देखना चाह रहे हैं कि हमने जो कोण बनाया है वो वास्तव में इसके बराबर है कि नहीं। तो इसके लिए हमने एक ई डी को मिलाया और टी एस को मिलाया, तो यहाँ एक त्रिभुज बन गया और यहाँ भी एक त्रिभुज बन गया। इस त्रिभुज को आप ई बी डी कह सकते हैं और इस त्रिभुज का नाम टी पी एस है। इन दोनों त्रिभुजों में देखिए, चूँकि ये जो हमने चाप बनाया है वो उसकी त्रिज्या बी डी है और बी डी के बराबर पी एस त्रिज्या है, तो इस त्रिभुज में जो भुजा बी डी है वो पी एस के बराबर है,
और उसी तरह से चूंकि BE भी में BE में जो बिंदु E है वो भी उसी चाप पर स्थित है, इसलिए BE बराबर BT है। और चूंकि हमने DE के बराबर त्रिज्या का एक चाप लेकर यहाँ पर ST काटा था, इसलिए ST की जो दूरी है या ST की जो लंबाई है वो DE के लंबाई के बराबर है। यानी इस त्रिभुज में EBD में और त्रिभुज TPS में BE बराबर PT है, BD बराबर PS है और ED बराबर TS है। यानी कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाएं आपस में एक दूसरे के बिल्कुल बराबर हैं, तो दोनों के दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं और इसलिए इनके सभी संगत अवयव बराबर होंगे। इस आधार पर आप कह सकते हैं कि यहाँ जो कोण बन रहा है, कोण EBD या कोण ABC, वो कोण P यानी TPS या RPQ के बराबर है। तो आपने देखा कि हमने एक दिए हुए कोण के बराबर कोण की रचना कर ली और उसे सिद्ध भी किया कि दोनों कोण आपस में एक दूसरे के बराबर हैं। तो ये एक छोटी सी रचना थी, आप इसका अभ्यास करें और इसको करके देखें।